तो भाई एक दिन में दो मूवी देखनी पड़ी। क्यों देखनी पड़ी? क्योंकि 40 किलोमीटर ट्रैवल करके जाना पड़ता है मूवी देखने, और कौन जाए बार बार उतना दूर मूवी देखने भाई। तो एक ही बार में मैंने दो मूवी निपटा दी, एक ही दिन में दो मूवी देख ली मैंने। पहली मूवी जो है मैंने देखी आयुष्मान खुराना की एन एक्शन हीरो, जो की काफी मजेदार थी। और दूसरी मूवी जो है ओडिया मूवी है प्रतीक्षा, जिसके लिए मैं काफी दिनों से वेट कर रहा था। तो आज इसको देखने का मौका मिल गया और मैंने देख ली, और दोनों ही मूवी देखने लायक, जिसको देख के काफी मजा आया। और मजे ही तो चाहिए जिंदगी में हमें। तो चलो, फाइनली आयुष्मान खुराना ने सोशल मैसेज देने के अलावा कुछ अलग किया। एन एक्शन हीरो नाम जितना ही अटपटा है, मूवी उससे ज्यादा अटपटी निकली, देख के स्वाद आ गया। काफी दिनों के बाद बॉलीवुड से अच्छी मूवी आई जिसको देखने में मजा आया। और जिंदगी में क्या चाहिए हमको? मजा ही तो चाहिए, जो मूवी बखूबी देती है। तो आयुष्मान खुराना ने कुछ नया किया, ट्राई तितली को अंग्रेजी में कहते हैं बटरफ्लाई, और एक बार जो जाए जवानी फिर ना आए। मुझे उम्मीद है किसी न किसी दिन मेरी राइमिंग टोनी कक्कर के पास पहुंच जाएगी। क्या हाल सबके, उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। मैं राहुल और आप देख रहे हैं RDXS व्यू। कुछ दिन पहले बॉलीवुड से एक मूवी आई थी फ्रेडी, जो काफी मजे देखी गई, पर थिएटर में क्यों रिलीज नहीं हुई नो आईडिया। आज जब मैं एक्शन हीरो मूवी देखने जा रहा था, तो उसी उम्मीद के साथ जा रहा था कि मूवी मजे देगी, और मूवी ने मजे दी। बिना स्पॉइलर दिए मूवी की बात करें तो मूवी में जो अपना मेन कैरेक्टर है वो एक हीरो है जो हरियाणा गया है फिल्म शूटिंग के लिए। वहां जाके उससे अनजाने में एक लड़के का खून हो जाता है, हाँ मतलब हल्के से धक्का लगता है, उसका सर पत्थर से टकरा के दी एंड। ये बात उसके भाई को पता चलती है, देन ही वांट्स टू टेक रिवेंज। तूने मेरे भाई को क्यों मारा, मैं तेरी मारूंगा, तुझे मारूंगा। बिना स्पॉइलर वाली स्टोरी खत्म। स्टोरी काफी सिंपल लग रही है, टिपिकल बॉलीवुड रिवेंज स्टोरी, पर इसके अंदर का जो एक्शन है, पूरा फिल्म अपने नाम पे गई है, एक्शन ही एक्शन। एक्शन को छोड़ के डायरेक्शन, स्टोरी और थोड़ी बहुत कॉमेडी, डार्क कॉमेडी बेहतरीन ढंग से मिश्रण करके एक बढ़िया सा एक्शन मूवी परोसा है हमें अनिरुद्ध अय्यर ने, जो इस मूवी के डायरेक्टर है। एक्शन जिसको देखते ही रह जाओगे, उसी एक्शन को काफी बेहतरीन तरीके से डायरेक्ट किए हैं अनिरुद्ध अय्यर जी ने। स्टोरी में थोड़ी बहुत ट्विस्ट और टर्न देखने को मिलता है, इतने भी बड़े वाले नहीं, पर ठीक ठाक। कॉमेडी की बात करें तो कॉमेडी इसमें थी, जिसको देख के और सुन के हंसी आती है, और कुछ सीन्स में आपको अर्नब गोस्वामी भी दिखाई देते हैं। मुझे ड्रग्स दो, मुझे ड्रग्स दो, ऐसे करते हुए। आयुष्मान खुराना की बात करें तो वो कभी निराश नहीं करते, और इस वाली मूवी में भी उन्होंने निराश नहीं किया। कुछ अलग टाइप का रोल में दिखे और उसी में फिट हो। मूवी की प्लस पॉइंट, कोई हीरोइन नहीं, फालतू के रोमांटिक सीन नहीं, नाच गाने नहीं, एक्शन हीरो जो मार धाड़ कर रहा है इधर उधर, वो भी लॉजिकली। नहीं तो कुछ मूवी ऐसे भी हैं जो छोड़ जाने दो। ओवरऑल मूवी की बात करें तो बोर नहीं करती मूवी, फुल मजे देती है। फैमिली के साथ जाओ, अकेले जाओ, दोस्तों के साथ जाओ, मूवी देखने जाओ, एक बार देखने लायक तो मूवी है। मूवी मजे देती है, और जिंदगी से क्या चाहिए हमें, मजे ही तो चाहिए। हाँ, और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साल खत्म होने तक 100 सब्सक्राइबर चाहिए, ज्यादा नहीं है 100 है, आप कर दोगे मुझे पता है। चलो तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।